हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो टेंस की जो टेबल है उसको पहचानना सीखा था। आज हम कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जिसमें हम सेंटेंस के माध्यम से ये जान सकेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस की ओर जा रहा है और किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस की लिस्ट तैयार की है ना, और उन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं ताकि आप सेंटेंस को पूरा सेंटेंस जैसे ही आप समझेंगे और सेंटेंस से पहचानेंगे और उसके बाद में उस सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ये 9th और 10th की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आप आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व कर पाएं। और प्लीज़ प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इस प्रकार के जितने भी सारे वीडियो हैं आप तक हम इस कोरोना काल में भी पहुंचा सकें, है ना। अब देखते हैं, यहाँ पर आप पहला सेंटेंस है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो यहाँ पर द सन राइसेस इन द ईस्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ सेंटेंस के अंत में ता है आया है इसलिए, और द सन और यहाँ पर राइस वर्ड है इसमें एस जुड़ा है ना, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट का है। तेल पानी पर तैरता है, यहाँ सेंटेंस में ता है, लास्ट में ता है आया है इसलिए यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। तो आइल फ्लोट्स, जब किसी वस्तु की यदि बात आती है तो वहाँ पर हमेशा फ्लोट का प्रयोग होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति की यदि बात आती है, पर्सन यदि आता है और यदि व्यक्ति आता है कि राम पानी में तैरता है तो वहाँ पर सेंटेंस के साथ में आपको फिर स्विम का प्रयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में वस्तु आई है यानी कि तेल, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में फ्लोट का प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर सेंटेंस में आपका सिंगुलर सेंटेंस है, आई व्यू द प्लूरल के साथ में आपको विवन का प्रयोग करना है, ही शी इट और नेम के साथ में आपको विवन के साथ में एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग करना है। यहाँ सेंटेंस में द सन आया है इसलिए हमने मैन वर्ब में सेट है आपके मैन वर्ब और उसमें एस लगा यानी कि सेट्स किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन पतंग नहीं उड़ाता है, ये भी प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ना। मैंने अभी ऊपर बताया है कि किसी नेम के साथ में आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, आई वी यू दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग करना है, ही शी इट और नेम के साथ में आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस है, मोहन डज नॉट फ्लाई ए काइट, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। उसका भाई कक्षा 10th में पढ़ता है। ठीक है, तो हिज ब्रदर स्टडीज, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, आपको सेंटेंस पहचान में आ रहा होगा और यहाँ पर सेंटेंस आपका सिंगुलर हो रहा है, स्टडीज हुआ है सेंटेंस में। ठीक है, आई ई एस जुड़ा हुआ है, वाई हटाकर मैंने एक नियम एक बार बताया है कि नियम वाई के स्थान पर आई ई एस, वाई हटाकर आई ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस वाई हटाकर उसके साथ में आई ई एस जोड़ा है, वह पानी पीता है तो ही ड्रिंक्स वाटर, ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ही ड्रिंक्स, एस जुड़ा हुआ है मेन वर्ब में, ही ड्रिंक्स वाटर, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है तो ही डज एक्सरसाइज डेली, यह सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 8 देखते, वह प्रतिदिन, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका क्योंकि किसी सब्जेक्ट के पहले यदि कोई क्या यदि आता है तो वह सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर सेंटेंस में आपको पहले डस भी आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी आया है इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ सेंटेंस डज ही गो टू स्कूल डेली, यहाँ पूरा आपका सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस है, क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो,
ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल इंटरगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो डू यू ऑबे योर पेरेंट्स, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा क्या उषा तेज दौड़ती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरगेटिव सेंटेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ लास्ट में ती है आया है और पहले क्या आया इसलिए। तो डज उषा रन फास्ट, अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, फेमस सेंटेंस है। ठीक है, वेयर डू यू लिव। अगला देखते हैं सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 है आपका, तुम जा सकते हो। ठीक है, मॉडल सेंटेंस है ये, तो यू कैन गो, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता, मॉडल सेंटेंस है ये भी। तो आई कांट या कैन नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं कार चला सकता हूँ, तो आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, ये भी मॉडल सेंटेंस है। ठीक है, कैन वर्ड क्या है, ये मॉडल वर्ड है। ठीक है, तो ये आई कैन ड्राइव ए कार। नंबर 15, आप कहाँ काम करते हैं, तो वेयर डू यू वर्क। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है ये। ठीक है, डब्ल्यू एस फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस है, वहाँ कौन सोता है, तो हु स्लिप्स देयर, है ना, देयर मीन्स वहाँ। ठीक है, लोग नदी में स्नान करते हैं, तो पीपल बाथ इन द रिवर, प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ, प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है, यानी कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगला देखते हैं नंबर 19, वह अच्छा गाना गाती है, तो सी सिंग्स ए गुड सॉन्ग, यानी कि यहाँ पर भी आपका सेंटेंस ये समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आप बिल्कुल देखकर बता रहे होंगे कि इसमें ती है आया इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो सी सिंग्स ए गुड सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता, तो यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया है, तो आई डोंट नो योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। और इस प्रकार के बाकी के जितने भी हमारे अगले पार्ट में कुछ सेंटेंस और कवर हम करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइमिंग में हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हम अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर ऑफ यू, स्टे होम स्टे सेफ।